क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आईपी लीट के लिए। आईपी लीट की आपने ऑर्डर पढ़ा होगा बेटे, जो पहले वाला ऑर्डर है, ये पहले वाला ऑर्डर है। मतलब उन्होंने अपना जो 2 तारीख का ऑर्डर था उसमें क्लियरली लिखा था कि बाकी सारे जो रूल हैं वो पिछले वाले ऑर्डर के फॉलो होंगे। ये ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ बेटे, ये आया था, ठीक है, मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए। उसमें जो लास्ट डेट है आपकी, वो बेटे मेरे हिसाब से फीस भरने की 40,000 रुपये फीस भरने की। ये मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि जो आपकी फीस भरने की डेट है ना, इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन कर रखा है। ये तो मैंने ऑर्डर के नीचे बेटे शायद पढ़ा नहीं था या जो भी था, ठीक है, इन्होंने आपका जो रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट है, ये तो इन्होंने जरूर बोला था कि हम 31 को ना दे के 2 को दे रहे हैं बाकी, लेकिन जो फीस भरने का है आपको, जो 40,000 रुपये फीस भर के आपने फ्रीज या फ्लोट करनी है ना, तो अपने GCC के विद्यार्थी का ही रैंक 1 आया था। तो बेटे मैं उसका यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड खोल रखा है, MD अकमल, उसने चॉइस 1 उसको कौन सी मिली है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मिला है, कंप्यूटर ब्रांच है, ड्यूअल डिग्री है, बाकी बीटेक के बाद भी उसने यहाँ पे 40,000 रुपीज पे कर दिए हैं, ठीक है बेटे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास भी ये सब चीजें रही होंगी। जैसे आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आप अपना जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी लिस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं। पहला सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आप जब देखेंगे तो आप यहाँ से अपना डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर कर सकते हैं, ठीक है, नीचे आता है सीट अलॉटमेंट लेटर, वो डाउनलोड हो जाता है, हमने भी करके रख रखा है, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट है ना, यहाँ पे आपको 40,000 रुपये पे करना पड़ता है। ये देखिए, इसने जैसे रजिस्ट्रेशन फीस दी थी 1200, तो इस बच्चे ने तो 2 तारीख को जब रिजल्ट आया था, रात को आया था, रात को ही 10 बजे कर दिया था, क्योंकि इसने जो नंबर 1 पे चॉइस दी थी वो चॉइस इसको मिल गई थी, है ना, क्योंकि रैंक 1 है, चॉइस 1 भरी मिल गई, 40,000 रुपये इसने पे कर दिए 10:30 बजे। इसकी लास्ट डेट कब है बेटे, 5 तारीख रात के 11:50 तक। तो आप कल का वेट मत करो, इंडिया पाकिस्तान का मैच मत देखना पहले, हाँ मैच तो यार देखना मैं भी देखूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले ये बड़ा काम है, ठंडे दिमाग से आप अपना यहाँ पे अकाउंट डिटेल जो भी आपने ऐड करके 40,000 रुपीज पे कर दो, ऑनलाइन ही होना है, ठीक है। आप UPI भी कर सकते हैं, शायद UPI भी हो जाएगा, है भाई, ठीक है, UPI भी कर सकते हो, और आप अदरवाइज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। उसके बाद आएगा बेटे आपके पास सबमिट विलिंगनेस। विलिंगनेस में ये स्टेप बाय स्टेप है, इस बच्चे को तो नंबर 1 पोजीशन था ने ले लिया, लेकिन जिसको 10 नंबर वाला मिला हुआ है वो तो एक्सपेक्ट करेगा 9 नंबर वाला मिल जाए मुझे, 8 नंबर वाला मिल जाए, 7 नंबर वाला मिल जाए, लेकिन आपको अगर आज की डेट में आपको लग रहा है कि मैं तो 10 नंबर वाले से सेटिस्फाई हूँ, तो वो मर्जी है, ठीक है। सर अगर हम ये 40,000 रुपये भर देंगे तो क्या ये रिफंड होंगे, बेटे उस ऑर्डर में लिख रखा है कि आपने अगर 5 तारीख को 11:50 तक पे कर दिया है तो आप 8 तारीख से पहले अपने पैसे रिफंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पैसे रिफंड ले लिए तो इसका मतलब है आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो सेकंड काउंसलिंग में, अब कई बच्चे ये पूछना चाह रहे होंगे चॉइसेस चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बेटे 8 तारीख को ही हमें अपने आप ही जब ऑर्डर जब आप फ्लोट करेंगे ना, तो वहां पर ही अपने आप ही आपको पता लग रहा होगा कि आप चेंज, बाकी मेरी एडवाइस ये है जब आपने पहले काउंसलिंग में चॉइसेस भरी हैं तो आप उसको चेंज मत करना, है ना, क्योंकि ऑर्डर इधर उधर होएगा तो जो सीट मिली है वो भी ना गड़बड़ हो जाए, किसी दूसरी सीट में ना मिल जाए, बाकी सीट जो आज मिली हुई है वो रहेगी आपके फ्लोट में, क्या होता है जो सीट आपके पास है वो रहेगी, आपको उससे ऊपर वाली जो सीटें हैं फ्लोट का मतलब है आपको अपडेट, आप क्या चाहते हो कि अपग्रेड हो जाए आपकी, ठीक है। जैसे इस बच्चे की अपग्रेड नहीं हो सकती, यहाँ पे लिख दिया कि इसने फ्रीज कर दिया, नो अपग्रेडेशन, कब फ्रीज करा, इस टाइम पे जिन्होंने फ्रीज कर दिया उसकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि भाई इसको तो सरकारी कॉलेज मिल गया, प्राइवेट वाले कॉलेज की फीस है 1.5 लाख रुपए, इसकी फीस लगेगी 70,000 रुपए, पहले साल तो लगेगी 79,000, उसके बाद 70,000 रुपए फीस लगेगी, तो ये तो इसका फायदा है बेटे सरकारी कॉलेज का। और दूसरा प्लेसमेंट बढ़िया, आपको नंबर, आपको इंटर्नशिप करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी तो भाई ने बताया कि इंटर्नशिप के लिए भी करीबन 120 कंपनी आई है। आप IP में कोई भी प्राइवेट कॉलेज मेरे को बता देना जिसमें 100 से ज्यादा कंपनी, महाराजा अग्रसेन में भी नहीं आई भाई,
वहां पे भी लोग इंटर्नशाला फलाना दगड़ वहां से जाके अपनी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करते हैं। तो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए इतनी कंपनी आई है। तो कॉलेज तो भाई साहब बुरा नहीं है, जो यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस का कॉलेज है ना वो बुरा नहीं है। और किसी बच्चे को अगर USAR में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या IoT वो मिल रही है तो उसको भी आप पकड़े रखो, कोई बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, नया कॉलेज है, कॉलेज सेम ही है, एक ही यूनिवर्सिटी है, तो जो कंपनी उसके लिए आएंगी वो भी एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो जिसको USAR मिला है वो भी ठीक है भाई, ठीक है। दिक्कत है जिनको जो जो यूनिवर्सिटी का जो केमिकल बायो केमिकल वाला है उसमें थोड़ा सा भाई है भाई, क्योंकि लेकिन जो केमिकल ब्रांच के बच्चे हैं तो वो भी आंख बंद करके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, या जो बायोटेक्नोलॉजी से जिन्होंने या डिप्लोमा पॉलीमर से या केमिकल से किया हुआ है तो वो बायोकेमिकल से बीटेक आगे परस्यू करना चाहें तो IP का अच्छा कॉलेज है। और उसकी फीस मैंने बोला पूरी दिल्ली घूम लेना है, किसी की इतनी फीस नहीं जितनी इसकी फीस है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आपको बच्चे की ID से ही बता दिया, सारी चीज़ें आ गई होंगी। फिर भी अगर बेटे आपको लग रहा हो कि हमें कोई और चीज़ बतानी रह गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरी तरफ से ये अर्जेंट वीडियो है, आपको आज की आज में फीस पे करनी है 40,000 रुपये। अगर आपके पास नहीं है आप किसी दाएं बाएं जहां से भी हेल्प लो, इसको सबमिट करो आज की डेट में, कल का वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम के लास्ट में भी, जो सीनियर सुन रहे हैं भाई, जो जूनियर अपने बैच है उनमें भी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जरूर बताना, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। तुम ही हो बंदे यार जो हमारे पास 300-400 जो बंदे पढ़ रहे थे, आपने ही आगे अपने जूनियर को बताना होता, कन्वे करना होता कि यार नवीन सर का जो है सेकंड बैच स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। पहला बैच तो फुल हो गया भगवान की दया से, सेकंड बैच के रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। बिल्कुल आप निडर होके जुड़ो, और जो आप गवर्नमेंट कॉलेज अभी सोच रहे हो कि नहीं है लाइन में नहीं है, क्या पता वो आ जाए, है ना, क्योंकि जो भी ये बच्चे जुड़े थे तो उनको भी नहीं पता था कि ये चीज हो जाएगी, इनके साथ हुआ अच्छा तो तुम्हारे साथ भी होगा, है ना। अच्छी मेहनत से मन लगा के मेहनत करनी है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, सम्मान करना उनका, उनके साथ बैठ के समय व्यतीत करना है। मैं बार बार बोलता हूँ और दोनों हाथ जोड़ के बोलूंगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास है कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना। थैंक यू बेटी।